टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम डायघर पुलिस स्टेशन में और आपको बता दें कि यहाँ पर DCP अंबूरे साहब से मुलाकात करने के लिए NCP के कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान, ठाणे सहारा स्क्रैप एसोसिएशन के अध्यक्ष कुरैशी साहब और करीम खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे तमाम NCP के जो है तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। दरअसल मामला ये है कि मुजफ्फर खान नामक उत्तर सीयू में एक व्यक्ति का जो है गाला था और उस गाले को दिगंबर नाम के एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा उस वक्त हुआ जब मुजफ्फर खान अपने गांव गए थे लॉकडाउन के दरमियान। उसी दरमियान दिगंबर ने उस गाले को तुड़वा कर वहां पर कब्जा कर लिया है, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं ना कहीं जो है करीम खान और NCP के तमाम लोग और ऐसे तमाम लोग जो है उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए थे और DCP अंबूरे साहब से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। क्या है पूरा मामला हम इन्हीं से जानते हैं। शमीम भाई, क्या है ये पूरा मामला? DCP सर से आप लोगों ने मुलाकात की है तो क्या उन्होंने कहा? सबसे पहले तो मैं DCP अंबूरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस में उन्होंने वक्त दिया और वो खुद डायगर पुलिस स्टेशन आके बैठे हुए हैं। उन्होंने इस डेलीगेशन की पूरी बातों को सुनी। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कल कुछ व्यापारी मंडल के लोग जाकर के, जो हमारे सहारा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये लोग जाकर के हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के सामने बात रखी कि यहाँ पे मुजफ्फर साहब जो मौलाना अमीन रियाजी साहब के साहबजादे हैं, मौलाना अमीन रियाजी साहब बिलोंग करते हैं सिद्धार्थनगर UP से और वो एक बड़े आलिम हैं। उन्होंने बहुत कौम और मिल्लत की खिदमत किया है। ऐसे घराने से ताल्लुक रखने वाले मुजफ्फर साहब का गाला जो उत्तर शिव में था, जो उन्होंने 97 में परचेस किया था, उसको दिगंबर नाम के जो शख्स के, जो उनके पिताजी ने उस गाले को इनको बेचा था। उसके बाद जब ये लॉकडाउन में गांव चले गए तो उन्होंने आकर के उसको डेमोलिशन करके खुद का कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत को लेते हुए आज हमारे मुकामी नगर सेवक हीरा पाटिल जी, बाबा जी पाटिल साहब, हमारे भाई शानू पठान साहब, मुफ्ती अशरफ साहब, करीम भाई और कानिश कुरैशी साहब और मामा यहाँ का हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और बबलू शिमना और रफीक भाई, तमाम लोग, गणेश मुंडे, आज हम लोगों ने आकर के DCP साहब से बात किया। DCP साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उसे माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बार बार ये बताना कि तुम उत्तर भारत से आए हो, तुम कोकण से आए हो, तुम गुजरात से आए हो, हम जो चाहेंगे ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ लोग के जहन में ये बात घुसी हुई है, तो उन्हें मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, इस बात को निकाल के बाहर फेंक देना। हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के सिपाही हैं, गलत करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उसके लिए कानून जिंदा है, उसके लिए कोर्ट जिंदा है। अगर किसी के साथ ये जो कहना कि 8 रुपये का माल हमको 5 रुपये में दे दो, ये कह देना कि मैं यहाँ का मुकामी हूँ, मेरे को आप महीने का 10,000 भेज देना, ये कह देना ए चल तुझा निकल भैया है, चल तुझा निकल फला जगह का है, ये सब बात करना गलत है। मैं इसकी खंडन करता हूँ और आपके माध्यम से उनको ये साफ कहना चाहता हूँ कि ये गुंडागर्दी कल तक चली होगी, अब नहीं चलेगी। ये मेरा संदेश नहीं है, ये संदेश हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का भी है। शानू भाई, जिस तरह से स्क्रैप के जो व्यापारी है उनके साथ भी इसी तरह की जो है घटना सामने आई कि 10 रुपये का माल आप 5 रुपये में दीजिए और नहीं दोगे तो गाड़ियों में आग लगा देंगे, मारपीट की उनको धमकी दी गई, इनका गाला भी जो है कब्जा किया गया, तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, आज आप लोगों ने DCP सर से मुलाकात भी की, तो क्या इस तरह की घटनाओं पर किस तरह का एक्शन होगा, क्या कुछ कहा गया? देखिए, ऐसा है कि ये पट्टा व्यापारियों का पट्टा है और व्यापारियों की अलग अलग शिकायत थी कि माल को लेके, उनके गाले कब्जों को लेके हमने DCP साहब से बात किया और नई मैडम आई उनसे भी बात किया और हमारे सभी जो अध्यक्ष करीम भाई कुरैशी साहब है उस सभी लोग के साथ में हमारे स्थानीय कॉरपोरेटर थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरे इस डायगर परिसर में खुद राउंड मारूंगा और जो ऐसे लोग कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। हम आपके माध्यम से और उनको समझाना चाहते कि ऐसी सब अगर आप घटना कर रहे हैं तो उसे बंद कर दे, नहीं तो राष्ट्रवादी
कांग्रेस पार्टी की ओर से व्यापारी संगठन के साथ मिलके हम इसके ऊपर कमिश्नर साहब थाने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात कर सकते। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से ये मुजफ्फर भाई है इनका गाला कब्जा हुआ है, तो पूरा गाला इनके दिलाने में आप लोग इनके साथ रहेंगे जब हम लोग इनके साथ नहीं, व्यापारी के हर व्यापारी के साथ है जो यहाँ पे शराफत से काम कर रहा है, और अगर ऐसी कोई गलत बात होगी इनका गाला जो कब्जा हुआ है मिलना ही है। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया, आज उनके लिए पूरी टीम लगा दी गई है, इनके ऊपर जो इनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से इनके पूरा रिकॉर्ड लेके जो अगर कानून में बैठता है वो तरीके से इनको न्याय मिल जाएगा। क्या कहेंगे आप जो कह रहे हैं? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे अमल होगा और मुझे पूरी विश्वास है कि मेरा काम होगा। करीम भाई, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस मामले को उजागर किया है, जिस तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम रखा था उसी कार्यक्रम में इनका जो है सामने आया ये बात, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब आप लोग इस तरह की जो है डीसीपी तक ये बात पहुंचाए, अब इन्हें इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से दिगंबर ने जो इनका गाला कब्जा किया उस पर कठोर कार्रवाई होगी? मैं आपको बताता चलूँ इस्लामुद्दीन भाई कि मुझे लगभग यहाँ पर 30 साल हो गया, मैंने ऐसे बहुत सारे गुंडे यहाँ पर देखा है और लगभग अब सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। भाइयों को हमेशा बार बार जो बेवकूफ़ समझा जाता है, अब भाइयों ने कमर कस ली है, अब ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे डीसीपी साहब और ऐसे मैडम और ऐसा सिस्टम रहेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम न्याय दिलाने में ऐसे गौर गरीब को जिनका गाला कब्जा होगा, जिसके साथ में अन्याय होगा, यहाँ के गुंडे अब अपने आप को सीधे हो जाए, नहीं तो हम लोग भी तैयारी में हैं, इसमें कोई दोहराई ही नहीं, हम इनका गाला भी दिलाएंगे। और ये जो अन्याय करते हैं कि 20 रुपये का माल हमको 4 रुपये में दे, कभी हाइड्रा लगाने नहीं दिया जाता है, हाइड्रा जो क्रेन होता है माल उठाने के लिए, इनकी दादागिरी की हाइड्रा भी हमारा लगेगा, ट्रक भी हमारी लगेगी। अरे तुम्हें धंधा करना है, प्यार से धंधा करो ना, ये बड़े दूर से है, हम बड़े दूर से है धंधा करने के लिए, आप कंधे से कंधा मिलाओ, व्यापारी बनो, हम आपको व्यापारी बनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप भैया मार नहीं खाएगा, अभी का जवाब पत्थर से जरूर देगा और डिपार्टमेंट को साथ में लेके हम न्याय की मांग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा करीम भाई, आपके जो कार्यक्रम रखा गया था, जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें एक व्यक्ति और आए थे जो कैंसर से पीड़ित थे, कालशेखर हॉस्पिटल का मामला था, सैयद अली भाई साहब ने भी फोन पर कालशेखर हॉस्पिटल के स्टाफ से बात की थी कि उनका ऑपरेशन कराया जाएगा, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि अभी तक उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। बड़ा अफसोस है कि हमारे शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल कालशेखर और अब्दुल रज्जाक कालशेखर साहब ने अपनी मगफिरत के लिए बनवाया था कि गरीबों की सेवा हो, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि वहाँ पर सेवा नहीं हो रही है, वहाँ पर लूट मची है। मेरे उस आदमी का, उस वहीद भाई का ऑपरेशन उस योजना के तहत ना हुआ और ना तो किसी ने एंटरटेन किया। भाई साहब से आपने बात की है, भाई साहब ने मीडिया में बाइट दिए थे कि 2 से 3 दिन के अंदर इनका ऑपरेशन हो जाएगा, तो आप लोगों ने भाई साहब से संपर्क किया? मैं बराबर भाई साहब के रास्ते में था, मैं बराबर हॉस्पिटल के रास्ते में था, लेकिन उसकी तकलीफें इतनी खतरनाक थी कि उसको 2 दिन भी रुका नहीं जा सकता था। उन्होंने कभी थाना भेजा चेकअप के लिए, कभी कहाँ भेजा, उस हालत में वो वहीद भाई ने हमें वो बेचारा 50 जगह भटका, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से आप मुलाकात की, आखिर क्यों नहीं ऑपरेशन हो रहा है? मैनेजमेंट से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि जो कैंसर का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स है, जो योजना के तहत ऑपरेशन करते हो, खाली नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट 20 रोज के बाद है, और इसकी जो तकलीफ थी शायद वो 4 रोज नहीं रुक सकता था। तो हम संगठन के लोगों ने बात करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका एडमिशन करवाया और माशाल्लाह मैं आपको ये भी बात बता दूं, बड़ी खुशी की बात है कि कल उनका ऑपरेशन होगा और माशाल्लाह आदमी स्वस्थ है और 2-4 दिन में बहुत जल्द आपके सामने होगा, और उसकी भी मीडिया बाइट में दिलवाऊंगा, इस कालशेखर के गंदे कारनामों की वजह से मैं उसकी भी बाइट दिलवाऊंगा, ताकि उस शहर को एक खुद मालूम पड़े कि कालशेखर वालों ने क्या किया। कृषि भाई, आप क्या कहेंगे जिस तरह के मुजफ्फर भाई का मामला है? मुजफ्फर भाई का मामला ऐसा है कि कुछ दिन पहले लॉकडाउन में अपने गांव चले गए थे, कारोबार बंद होने की वजह से, तो कुछ इनका जो गाला था तो अम्बेकर दिगंबर अम्बेकर उसके बाप ने, भानु अम्बेकर ने बेचा था, तो इनका सब पूरा कब्जा, इनके पास पेपर वगैरह है कि नहीं, गाँव जाने के बाद में उसने अपना जो है तो कब्जा कर लिया है और इनको धमकी वगैरह दी है कि अगर यहाँ पे दिखाई पड़े तो जान से मार देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जान से मार देंगे। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, आज डीसीपी साहब आए थे, हमारे राष्ट्रवादी की पूरी टीम थी और संगठना के सब लोग थे और मंत्री साहब ने खुद यहाँ पे सब डीसीपी साहब से बात की, तो उसका जो भी है न्याय होगा, उनका गाला उनके ताबे में दिलाया जाएगा, यहाँ मंत्री साहब खुद बोले। तो आपने सुना कि ये वही मुजफ्फर खान है जिनका गाला उत्तर शिव में है और दिगंबर नाम के एक व्यक्ति ने इनके गाले को कब्जा कर लिया है, और कहीं ना कहीं अब डीसीपी अंबूरे साहब के पास इसकी शिकायत की गई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इनका गाला और इनके जो कागजात हैं उस गाले के कागजों की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, और अगर वाकई में ये गाला इनका है तो इन्हें इंसाफ
मिलेगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।